गाइस हम केव्स की तरह जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने देखा ये लिखा हुआ था, मैंने कहा आपको दिखा देते हैं। अबव सी 149 फीट, तो ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर लिखा है। और ये जो रास्ता है ये दिखा रहे हैं किधर को जाता है, ये स्वेन सिटी है जो यहाँ पर लिखा है ना, ये कोस्ट पाथ उधर है और हम जा रहे हैं नीचे। तो अपने बंदे नीचे जा रहे हैं इधर, तो हम चलते हैं इनके पीछे। तो गाइज ये वाले केव्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आप देख सकते हो 1887, तो काफ़ी पुराने हैं, तो एक्सट्रीमली डेंजरस एरिया। तो ये बंद किया हुआ है अभी भी यहाँ पर है ना? बंद इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत से पत्थर जो थे अंदर वो नीचे गिर गए थे, सो दैट इज व्हाई इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस, बिकॉज इफ यू गेट इन देयर कोई पता नहीं कौन सा पत्थर कौन से नीचे गिर जाए। सो दे यूज्ड टू ऑफ कोर्स कीप द आप तो पहले भी आए हुए ना इधर? मैं इधर आया हूँ। हाँ ये आए हुए हैं, इनको पता है सारा, इसलिए हमें घुमाने लेकर आए हैं इधर। तो पहले जा सकते थे अंदर? पहले जब आई थिंक 20-25 साल पहले जा सकते थे, एंट्रेंस टू टिली वे विम केव्स लिखा हुआ। तो जो प्रिजनर थे वो भी चलो क्या कहना मैं बोल रहा था, वो भी बड़ी ब्यूटीफुल प्लेस पर रहते थे। यहाँ से आप थोड़ा देख सकते हैं, हाँ ये देख सकते हैं गाइस। अच्छा ये अंदर गुफा है पूरी, केव्स का मतलब आपको पता है ये गुफा होती है, तो काफी डरावना सीन होगा अंदर का, तो अंधेरा ही अंधेरा होगा अंदर। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी आप पढ़ सकते हैं। टेली बिम केव्स They just provide a heaven for hibernation bats. यहाँ पर ऐसे अगर फीलिंग आ रही है जो दो तीन सीरीज है ना वाइकिंग्स वगैरह, वो सब ऐसे ही हैं, उनमें सब वैसे ही दिखाया गया है जो समुद्री लुटेरे आते थे। आपने देखी वाइकिंग्स? मैंने नहीं। विशाल भाई आपने देखी? आपने देखी ना वाइकिंग्स? वैसे ही लगता है ना बिल्कुल। परफ्यूम है। चलो तो आगे चलते हैं गाइस, अभी काफ़ी ट्रैवल करना है हमने और भी अभी काफ़ी सारी प्लेसेस कवर करनी है, तो एनर्जी अभी फुल है हमें। क्यों चल रहा? सबसे बड़ी बात वेदर बढ़िया है। बिल्कुल आपको सामने लाइट हाउस दिख रहा होगा। ये देखो गाइस बहुत ही रिस्की है यहाँ पर, बंदा स्लिप हुआ नहीं तो गया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे आगे नहीं जा सकते, मुझको भी पीछे रहना चाहिए, अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। तो अभी हम गाइस थोड़ी देर पहले उधर थे, उस साइड पर आप देख सकते हो जहाँ पर वो लेडीज बैठे हुए हैं, तो अब हम इधर आए दूसरी साइड। ये देखो ये भी केव है, तो कितनी पुरानी है आप देख सकते हैं। किधर जाना है आपने? अंदर देखना है, अंदर देखने का। अंदर कैसे जा सकते हैं हम? किधर से? इधर से ऊपर से आके नहीं जा सकते हैं वैसे? आपको लगता है पहुंच जाएंगे? ये कि इसलिए तो वो लगा हुआ है कि कोई ट्राई कर सकता है ना, बेशक पता नहीं कहाँ तक जाते हैं आप, लेकिन जा तो सकते हैं। वैसे जा सकते हैं यार, इधर से देखो ना, इधर से ऐसे जाके ऊपर चढ़ के तो क्रॉस करके दीवार पे। चलो एक बार ट्राई करें। अरे चलो तो सही, हम कौन सा पानी में गिर रहे हैं उधर? कौन सा? नहीं इधर से ठीक है ना, देखो इधर से
इधर से इजी है। नहीं इधर ये देखो ये भी तो नीचे घूम रहे हैं। नहीं नहीं वो तो आप उधर से जा सकते। तो गाइज जो अपने होते हैं इंडियन बंदे उनको होती है क्रॉसिंग, तो जो जो चीज इम्पॉसिबल होती है ना उसको पॉसिबल करना है, तो हमारा भी दिल है देखना चाहते हैं। तो चलो यार विशाल भाई ट्राई करते हैं। तो गाइज आपका भाई फाइनली आ गया, तो इधर से हम जाते हैं अंदर देखते हैं अंदर क्या सीन है। काफ़ी डरावना सीन है अंदर का, बोर्ड लगा हुआ था वहाँ मैं मना किया हुआ था, चलो फिर भी मैं आ गया हूँ तो मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। वो अपने दोनों भाई उधर खड़े हैं तो अंदर चलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। कुछ भी नहीं है आप देख सकते हो पत्थर हैं। यहाँ पर ऐसी जगह पर जब आप आते हो तो आपको पता क्या मिलती है, चमगादड़े मिलती हैं। तो आपके भाई को डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा आगे जाने में। आगे अंधेरा है कुछ भी नहीं दिख रहा। तो गाइस वापस ही चलते हैं, कुछ भी नहीं है आगे आप देख सकते हो अंधेरा है बिल्कुल। उधर रास्ता था तो बाहर ही चलते हैं। अगर एक बंदा और होता साथ में तो शायद मैं चला जाता। ये हम वापस आ गए हैं। पीछे घूम कर आ चुके हैं तो आप देख सकते हो ये वही प्लेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो पूरा ट्रैवल किया है, वो हॉरर प्लेस भी मैंने आपको दिखा दी। तो मेरे साथ कोई नहीं अंदर गया था, ये तीनों बंदे उधर ही खड़े थे। तो बढ़िया था, एक मेमोरी रहती है सारी ज़िंदगी, याद रहता है कि हाँ मैंने ऐसा काम किया था, जो कि करना नहीं चाहिए। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, पहले ही मेरे साथ बड़े पंगे चल रहे हैं, मेरी आगे भी आपको पता ही है क्या हो गया था। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कोई अब कोरोना वायरस का कोई इश्यू नहीं है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये सिटी है जिसमें हमने केस देखा था ना। सिटी का नेम वो क्या था, स्वेंज स्वेनेज है ना, स्वेनेज सिटी जो था ना, वो स्वान वो कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वेनेज। तो गाइस यहाँ पर फुल आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया व्यू है। यहाँ पर अब बिल्कुल किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो सिचुएशन बढ़िया है, बल्कि अपने उल्टा इंडिया में कहते ज़्यादा हो गया। तो अपने पुनीत भाई आगे जा रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सनसेट भी हो जाएगा, तो थकावट तो हो चुकी है पूरी। ये नीचे आप पानी में देख लो, ये पत्थर है। का जो ट्रिप किया है ना, तो मुझे सबसे बढ़िया ये सिटी लगी है सेवेंज जिसका नाम। तो आप भी आते हो तो आप इस सिटी में ज़रूर आओ, बहुत ही बढ़िया सिटी है। साउथहैम्पटन से ये बहुत करीब पड़ती है, यहाँ से हम आगे साउथहैम्पटन भी जाना है हमने,
तो इसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, कम से कम यहाँ पर हम आधा घंटे ही रुकना है क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं, सुबह भी लेट निकले थे थोड़ा सा। तो ट्रैवलिंग करते करते आपको पता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक की वजह से हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, तो नहीं तो आपको पूरी सिटी घुमाता हूँ। सिटी मुझे अब तक की मेरी सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है। तो ये आप देखो ये क्या कर रहे हैं गाइज, यहाँ पर उल्लू बैठा हुआ था तो हमने वीडियो बना ली। उतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पर, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ज़ोर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर फुल क्राउड है, फुल इन्जॉय हो रहा है। तो मैं आपको इधर का व्यू दिखाता हूँ, मेरे पीछे का व्यू देखिए आप। चले गए, मुझे दिख नहीं रहे, वो उधर है तो उधर चलते हैं। पूरे गोरों का शहर है ये, मतलब गोरों की सिटी है। यहाँ पर मुझे अपना बंदा कोई भी नहीं दिखा, आप देख ही रहे हो वीडियो। एशियन कम्युनिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत सिटी है, सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। तो दिल तो नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कि यहाँ पर थोड़ी देर स्पेंड करते हम यहाँ पर बैठते, पर आपको पता है टाइम की शॉर्टेज है, तो आगे भी जाना है और रात को आराम भी करना है, सुबह भी आपको पता है ट्रैवलिंग है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगी सिटी, आपको एक और बिल्डिंग दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया, रॉयल विक्टोरिया। तो यहाँ पर ज़्यादातर पार्टी चलती है, यहाँ पर बार हैं, क्लब हैं, तो मोस्टली यहाँ पर यहाँ ये सब ही चलता है रात को। तो अब वेदर भी ठंडा हो चुका है यहाँ पर। तो गाइज़ मैं होप करता हूँ आपको ये सिटी बहुत ही बढ़िया लगी होगी,